नमस्कार, फैक्ट्स एंड वंडर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इससे आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको 10 मोस्ट डेंजरस टूरिस्ट प्लेस दिखाने वाली हूँ। यहाँ जाने वाले लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। नंबर 1, व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग दुनिया का सबसे डेंजरस बाइक राइड ट्रेल है। यहाँ जो साइकिलिंग करते हैं वो मौत को चुनौती देते हैं। एरिजोना का ये ट्रेल इतना खतरनाक है कि एक छोटी फिसलन और आप मौत के मुंह में। बड़े बड़े 30 मार खा एरिजोना के इस ट्रेल की चोटी पर पहुंचकर पीछे लौट गए हैं। नंबर 2, क्लिफ कैंपिंग एडवेंचर का एक नया पागलपन है। जमीन से सैकड़ों हजारों मीटर्स की ऊंचाई पर कैंपिंग करना, मौत के बाजीगर एक लटकते केबल के सहारे रात गुजारने को कैंप बनाते हैं और पूरी रात हवा में झूलते सोते हैं। क्लिफ कैंपिंग दुनिया के कई देशों में होता है। हर साल कई लोगों की मौत क्लिफ कैंपिंग के दौरान होती है। अगर आपको क्लिफ कैंपिंग का मौका दिया जाए तो क्या आप करोगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नंबर 3, कैप ब्रिज चाइना। जमीन से 500 फुट की ऊंचाई पर इस ब्रिज को पार करने में अच्छो की हवा टाइट हो जाती है। इस ब्रिज पर जो पटरियां लगी हैं, वो भी पास नहीं है। नीचे देखने पर आपको सिर्फ मौत दिखेगी। एक छोटी चूक और आप गिर सकते हैं। यूं तो केबल चेन आपको बचा लेगा, लेकिन मौत का मंजर आप जरूर देख लेंगे। नंबर 4, डेविल्स पुल। इसे दुनिया का सबसे डेंजरस पुल भी कहा जाता है। दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है विक्टोरिया फॉल जाम्बिया, और उसके ऊपर है ये डेविल्स पुल। खतरों के खिलाड़ी इस मौत के पुल में नहाने आते हैं। वो तो ऊपर से सीन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, पर अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नंबर 5, ट्रोल टंग नॉर्वे। ट्रोल टुंगा नॉर्वे का एक सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जमीन से 2625 फीट ऊंचा ये पहाड़ जितना मनमोहक है उतना ही खतरनाक। इस ऊंचाई से नीचे देखना मानो मौत को देखने के बराबर है। 2015 में एक ऑस्ट्रेलियन लड़की की मौत इस पहाड़ की चोटी से गिरकर हो गई थी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं क्या आप ट्रोल टुंगा की चोटी पर खड़े हो सकते हैं। नंबर 6, डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका। जैसा नाम वैसी जगह। नॉर्थ अमेरिका का डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगह है, जहाँ पृथ्वी का हाईएस्ट टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ की एक्सट्रीम गर्मी इंसान को बिना पानी के 14 घंटों में मार सकती है। 2019 में 2 टूरिस्ट की मौत डेथ वैली में हो चुकी है। यहाँ का लैंडस्केप भी इतना क्रीपी है कि पत्थरों में छिपे जानवर, सांप, स्कॉर्पियंस और डेडली स्पाइडर भी आपकी जान ले सकते हैं। नंबर 7, स्टेयरवे टू हेवन हवाई। हिंदी में कहें तो जन्नत की सीढ़ी। देखने में ये जितना खूबसूरत आपको दिख रहा है यह उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है। वर्ल्ड वॉर 2 में बने इस टूरिस्ट प्लेस को लीगली बंद कर दिया गया है, मगर आज भी कुछ खतरों के खिलाड़ी इलीगली हाइकिंग करते हैं। ये सीढ़ियां कई जगह से टूट चुकी है और वहां जाना जान की बाजी लगाने जैसा है। 2015 में 500 फुट की ऊंचाई से गिरकर एक 27 वर्षीय हाइकर की मौत हो गई थी। नंबर 8, माउंट वॉशिंगटन। दुनिया का सबसे डेंजरस स्मॉल माउंटेन, जहां पृथ्वी की हाईएस्ट विंड स्पीड नापी गई है 213 माइल्स पर आवर। यहां की स्पीड इतनी ताकतवर है कि इंसान भी टिक नहीं पाता है। अब तक 135 टूरिस्ट या यूं कहें हाइकर्स ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है और पूरा माउंटेन बर्फ की मोटी परत से घिर जाता है।
नंबर 9 लेक नेट्रॉन तंजानिया अफ्रीका। अफ्रीका की ये खूबसूरत जंगलों में एक विषैला लेक है। लेक का पानी इतना अल्कलाइन है कि इंसान या पक्षी सब इस पानी को स्पर्श करते ही मर जाते हैं। लेक नेट्रॉन से ली गई कुछ तस्वीर खुद ही बयां कर देती है। नंबर 10 हवाई वोल्केनो यूएसए। हवाई में स्थित यह नेशनल पार्क वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। यहाँ हर वक्त लावा उबलता चमकता दिखाई देता है। जमीन से निकलता ये मैग्मा लिक्विड इंसान को जलाकर मार भी सकता है और इसलिए यहाँ बहुत सी जगहों पर हाइकिंग बंद कर दी गई है। क्या आप इसे देखने जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इन सब में से कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको डेंजरस लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में।